अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक रखे, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे। मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक हो। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ। आगे पहले मैंने आपको सिखाया था केक सूजी का, अब मैंने बनाया है मैदे का केक। ये साम तरीके से आपको सिखाया है, घर की चीज़ों से सिखाया है, ग्राइंडर में बनाना सिखाया है, बगैर अवन ये आप बनाएंगे। ये मैं आपको पतीले में बनाना सिखाया है। आइए बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए ये चीज़ें चाहिए। चार अंडे लिए, ये चार अंडे डालने लगी हूँ ग्राइंडर में, आपको ना आसान तरीके से बताने लगी हूँ। दो कप मैदा, इसमें ये आधा कप चीनी का जाएगा, तेल का। एक कप चीनी का, जो तेल का भी यही डाला है, यही चीनी का डालने लगी हूँ कप। ये ना को शाम तरीके से बताया है, क्योंकि ग्लैंडर हर एक के घर होता है, ना भी हो तो दूसरी तरह भी मिक्स कर लेते हैं। मेरे पास वनीला एसन डाल ले अंडे की स्मेल दूर करने के लिए, वो मेरे पास नहीं है, मैं डालने रही हूँ वनीला कतरे रूह केवड़ा डालने लगी हूँ, क्योंकि अंडे ने ना स्मेल दूर करनी है। ये भी डाल सकते हैं। अब मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। ये मैंने ग्राइंड किया आपकी आसानी के वास्ते, आप इसी तरह ग्राइंड कर सकते हैं। आपके पास ग्राइंडर नहीं है, किसी और चीज़ से भी ये इस तरह कर सकते। ये देख लें, ये दो मग डाले हैं मैदे के, ये देख, एक पहला डाला है, ये छान के डालना है, छानते के बगैर नहीं डालना मैदा, इसको अच्छी तरह छान लेना है। अब मैं डालने लगी हूँ ले मैदा, इसमें एक दफ़ा नहीं डाल देना, ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा डाल है, इसको ऐसे मिक्स करना है गोल गोल घुमा के। बेकिंग पाउडर ये डालने लगी हूँ, बेकिंग पाउडर चम्मच, आधी से भी कम है मीठा सोडा, ये इसको इसी तरह अच्छी तरह मिक्स करना। इसकी गुठली ये देख, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मैं आपको मिक्स करके ना फिर दिखाती हूँ। अच्छी तरह मिक्स हो गया, इस तरह मिक्स करना। अब मैं सांचे में डालने लगी हूँ, ये देखे, ये पहले सांचा ग्रीस कर लिए तेल के साथ, इसमें वेटर पेपर लगाते हैं ऐसे ग्रीस करते हैं, वेटर पेपर नहीं है मेरे पास, मैंने ये पेपर के बना दिया, आप भी इसी तरह बना सकते हैं। फिर घी के साथ इसको ऑयल लगा लें, पहले लगा के फिर इस केक रखना, ये देख ऐसे ही लगाना सारे। ये गर्म हो गया, अब मैं रखने लगी हूँ केक पतीले में, ये देखें, ये पतीले में रख के ऊपर ढक्कन दे दिया, इस 20 मिनट छोड़ने लगी हूँ, फिर देखूँगी कि हो गया। इसको आग जड़ी है ना, इसकी मीडियम रखनी है 2 मिनट के लिए। मिल्लाए रहमान, ये देखें केक तैयार हो गया, जानने शुरू हो गई,
अब मैं ज्यादा ना दिखा सकती आपको, ये देख ले, ये देखे माशाल्लाह केक तैयार हो गया। अब इसको मैंने ऐसे रखना है, फिर मैं आप ठंडा करके इसका बेटा पेपर ऐसे ये ना उतर जाता है जी लगाए आओ। ये देखो कैसे बना, इतना प्यारा बना है केक। हमने इसको ना सजा के फिर दिखाऊंगी मैं आपको ना, कटा काट के दिखाने लगा। ये देखे कितना अच्छा बना है, कितना फ्लफी बना है, ये देख अच्छा बना केक। जिस पैन किसका देखे आप, क्रीम ला के ये बच्चों को ना बना के दे सकती हैं केक भी, घर ना फ्लफी बना माशाल्लाह, इतना अच्छा बना केक। ये देख ऐसे देखे, ये देखे कितना अच्छा बना, इतना मजेदार बना, इतना अच्छा इसका कलर आया। ये देख इसका कलर कितना प्यारा है, ये आपको मैं दिखाती हूँ इधर से देखे। ये देख लें आप, ईद पे ये अपने बच्चों को घर में बना के दे सकती हैं। ये देखे माशाल्लाह अंडे का केक इतना मजेदार बना, इतना अच्छा बना, इतना अच्छा इसका कलर आया। आप मेरी रेसिपी पूरी देखें, ट्राई करें, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।